अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। दिन दहाड़े बाइक सवार थोक व्यापारी के मुलीम से 3 पल्सर सवार बदमाशों ने तमंचा लगाकर थैला लूटा। थैले में 1.5 लाख रुपए, पीड़ित ने डायल 112 को दी सूचना। थाने पहुंचा मुनीम, बेखौफ बदमाश की दिन दहाड़े वारदात। फिरोजाबाद जिले के व्यापारी योगेश गुप्ता का डालडा रिफाइंड का थोक कारोबार है, जिसकी सप्लाई खैरगढ़ प्रतापपुरा से तगादा वसूल कर बाइक से आ रहे योगेश गुप्ता के मुनीम साहब सिंह सिकोवाल आ रहा था, तभी नगर क्षेत्र के पास जैन भट्टे के समीप 3 पल्सर सवार बदमाशों ने घेर लिया और तमंचा लगा दिया और पल्सर सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर 1.5 लाख रुपए से भरा थैला लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मुनीम साहब सिंह ने सूचना डायल 112 को दी तो डायल 112 मुनीम को थाने लेकर पहुंची, जहां व्यापारी भी पहुंच गए। पीड़ित ने कोतवाली में दी तहरीर। सूचना के कई घंटे बाद भी कोतवाली कोई उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कोतवाल पीड़ित को मुनीम को लेकर घटनास्थल जांच हेतु चले गए। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से अंकित कुलश्रेष्ठ की यह रिपोर्ट। मेरा नाम साहब सिंह है। आपके साथ क्या घटना हुई है? मैं हाथमन से चल रहा था, उस समय मेरे साथ नहर से पहले भट्टा भट्टा के जस्ट बगल से 3 आदमी पल्सर गाड़ी से आए। ब्लैक कलर की पल्सर है, प्लेट नंबर है नहीं। उन्होंने तमंचे रखे तीनों ने, और तलाशी लेने के बाद उन्होंने सारा पैसा, पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह और पर्चे वगैरह सारे छीन लिए। आप लोग कितने पैसे थे उसमें? बिक्री का सारा पैसा था, करीब होगा 1.5 के समथिंग। आपने पुलिस को सूचना की? पुलिस को 112 पे हमने दूसरी गाड़ी वाले के से कॉल करवाई तो वो नंबर नहीं लग रहा था। उसके बाद हमने सेठ जी से कॉल की, सेठ जी से बोला सर ऐसे से घटना हो चुकी है,